सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों लड़ना पड़ता है। जीवन में चाहे जितना भी ऊंचा उठे परंतु कठिनाइयों के दिनों को नहीं भूलना चाहिए। आज का पंचांग 3 जुलाई 2021 दिन शनिवार अषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि शाम 5:30 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र सुबह 6:14 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:10 से 10:50 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर सुबह 6:14 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 3 जुलाई 2021 दिन शनिवार। आध्यात्मिकता और रहस्य अभी आपको आकर्षित कर सकते हैं। अपने सपने और दृष्टिकोण पर भरोसा रखें। कोई निजी हानि आपको दुखी करेगी, जो आप सोचते हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए समय लें। आगे बढ़ने के लिए उन चिंताओं के बारे में बात करें जो आपका रास्ता रोक रही है। आज आप प्रतिबंधक महसूस करेंगे और अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। आप में से कुछ जीवन का नया अर्थ ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं, सपने और आराध्य सभी नया रूप लेंगे। यदि आप अपने सपने पूरे नहीं करते तो कोई दूसरा आपको इस्तेमाल करके अपने सपने पूरे करेगा। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से फोकस रहें, सफलता निश्चित है। आपका शांतिपूर्ण व्यवहार आपकी कार्य प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाएगा, साथ ही आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम रखेगा। कहीं से रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। पारिवारिक प्रॉपर्टी या परिवार के लोगों द्वारा बड़ा आर्थिक लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, जिसका निवेश करने के लिए आप मिलकर निर्णय लेंगे। इस निर्णय के कारण परिवार के आर्थिक स्थिति अधिक मजबूत बनेगी। किसी काम के द्वारा आपको अपेक्षा से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इन पैसों का निवेश करें काम के विस्तार के लिए, इसे इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। पार्टनर की कमजोरियों का एहसास होने की वजह से आप उनको पूरा सहयोग देंगे। योग के द्वारा मन प्रसन्न रहेगा। सावधानियां। ग्रह गोचर की स्थिति कुछ ऐसी है कि दुर्घटना के योग बन रहे हैं, इसलिए वाहन का इस्तेमाल ना ही करें तो उचित है। युवा वर्ग तथा विद्यार्थी अनुशासित और मर्यादित दिनचर्या बनाकर रखें। सोशल मीडिया से संबंधित नकारात्मक बातों में अपना समय नष्ट ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी किसी छोटी सी बात को लेकर आपसी संबंधों में कटुता ना आने दें। प्रेम संबंधों में घनिष्ठता बनी रहेगी। अभी आपका पूरा ध्यान श्रवण स्पेशल पर है, जिसके साथ आप कुछ अलौकिक पल गुजारना चाहते हैं। इसमें रोमांस और यौन सुख भी शामिल हैं। यह छोटी छोटी बातें आपकी जिंदगी को रंगीन कर देगी। सफर की गड़बड़ी या अपमान आपके दिन में दाग लगा सकते हैं। आज का मंत्र यही है कि अतीत की बाधाओं को तोड़कर नए दौर का खुले दिल से स्वागत करें। अपने काम में व्यस्त होने के कारण आप अपनी चाहत से दूर हो रहे हैं, इसलिए कुछ नया सोचें और उन्हें अपने करीब लाएं। मूड उदास है तो अपने दोस्तों के साथ घूमें फिरें और जीवन को खुले दिल से जिए। बात करते हैं करियर की। इतिहास यानी गुजरे हुए समय से आया कोई व्यक्ति इस समय आपको परेशान कर सकता है, लेकिन अचानक प्राप्त आय आपका दिन बना देगी। मानसिक शक्तियां आपकी पॉजिटिव पॉइंट है, जिनसे आप किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं।
कार्यस्थल में नई संभावनाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही है। एकाग्रता की कमी के कारण आपके काम या शौक पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आज आप जीवन को लेकर उदासीन हो सकते हैं और अकेलापन महसूस कर सकते हैं। अतीत को भुलाकर आप नई मंजिल की ओर बढ़ें। आत्मविश्वास वो चाबी है जिससे आप सफलता के ताले को खोल सकते हैं, इसीलिए आत्मविश्वास को कम ना होने दें। बात करते हैं सेहत की। तनाव और अवसाद की स्थिति से बचने के लिए योग और मेडिटेशन जरूर करें तथा सकारात्मक लोगों के सानिध्य में रहें, योग भी करें। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी को नारियल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।